अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इवोल्यूशन इन स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या आती है स्पोरोफाइट में ब्रायोफाइट की केस में। तो ब्रायोफाइट की हम सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये लैंड प्लांट्स हैं बट लेक फोटो जो है, लेकिन इनके अंदर लैंड प्लांट्स बट लेक वेस्कुलर टिश्यूज, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी नहीं होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। और फिर ये अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, डिफ्यूजन के ज़रिए ना ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से, ठीक है ना। और ये डिफ्यूजन के ज़रिए जो होते हैं और इनके अंदर किसी भी किस्म के रूट्स भी नहीं होते हैं, और अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट को एयर से और थ्रू देयर सरफेस, ठीक है। तो जिस तरह के लीव्स वगैरह के ज़रिए, ठीक है, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट इनको कहते हैं। इनके अंदर जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मॉसिस, फंज, लिवरवॉर्ट्स एंड हॉर्नवॉर्ट्स की है। तो अभी हम देखते हैं कि जो है एवोल्यूशन ऑफ जो स्पोरोफाइट की एवोल्यूशन ब्रायोफाइट्स में किस तरह हुई। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके रिगार्डिंग। एक है इवोल्यूशन ऑफ द स्पोरोफाइट बाय प्रोग्रेसिव स्टीरलाइजेशन, प्रोग्रेसिव स्टीरलाइजेशन स्टीरलाइजेशन ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यूज, स्पोरोजीनियस टिश्यूज की जो है वो प्रोग्रेसिव स्टीरलाइजेशन। स्टीरलाइजेशन का मतलब है कि उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो थी वो ख़त्म होती गई, और जस्ट वो जो स्ट्रक्चर था वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए रह गया, या फिर फूड को स्टोर करने के लिए रह गया, या फिर वो स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रह गया। दूसरी है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन थ्योरी, या फिर ये कहते हैं इसको हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है ना, बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स फॉर्म, या रेट्रोग्रेसिव जो होती है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन थ्योरी, और ऊपर वाले को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन थ्योरी। नीचे वाले के अंदर क्या होते हैं, बाय जो है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्म, बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्म। तो हम वन बाय वन इनको बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे, ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो ये थ्योरी किसने दी थी, फर्स्ट इसका व्यू था वो बोवर ने दिया था। बोवर, इसने इस थ्योरी को, प्रोग्रेसिव थ्योरी ऑफ स्टीरिलाइजेशन को क्या कहा था, इसने कहा था कि ये थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की थ्योरी इसको कहा गया था, या फिर थ्योरी ऑफ स्टीरिलाइजेशन, थ्योरी ऑफ स्टीरिलाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम जो है वो स्टीरिलाइजेशन हुई है फर्टाइल सेल्स की, ठीक है ना, स्टीरिलाइजेशन हुई है फर्टाइल सेल्स की, कैप्स्यूल वॉल के अंदर, फिर उसके अंदर नर्स सेल के अंदर, इलेटर्स के अंदर, कोलोमेला के अंदर, ठीक है, फुट सीटा के अंदर, ठीक है ना। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है लाखों करोड़ों साल में जो स्टीरिलाइजेशन हुई है फर्टाइल सेल्स की, इसीलिए इसको हम थ्योरी ऑफ स्टीरिलाइजेशन भी कहते हैं। इस व्यू के मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक जो स्पोरोफाइट होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म की, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो स्पोरोफाइट है ये क्या करता है, जिस तरह के हमारे पास है मोसिस और ब्रायोप्सिडा वगैरह, ठीक है ना, ब्रायोप्सिडा,
तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो स्पोरोफाइट है ये इवॉल्व हुआ है प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन से। किस तरह ये इवॉल्व? बाय प्रोग्रेसिव, आहिस्ता आहिस्ता स्टेरिलाइजेशन हुई है फर्टाइल सेल्स की। और ये एम्ब्रियो से स्टार्ट होती है और रिक्सिया जो होता है उससे, ये बेसिकली रिक्सिया के स्पोरोफाइट से ये शुरू होता है, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ फर्टाइल सेल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का जो स्पोरोफाइट था उसके फर्टाइल सेल्स की आहिस्ता आहिस्ता स्टेरिलाइजेशन हुई है, जिससे ये डेवलप होता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का स्ट्रक्चर डेवलप होता है मोसिस और ब्रायोप्सिडा का केस में, जिस तरह है, ठीक है ना, स्पोरोफाइट इसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो क्या थ्योरी है? बाय प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनियस टिश्यू के कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है स्पोरोफाइट, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो स्पोरोफाइट है मोसिस और ब्रायोप्सिडा का, ये इवॉल्व हुआ है बाय प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ द फर्टाइल सेल्स ऑफ द सिंपलर फॉर्म रिक्सिया वगैरह, जिस तरह है। तो अब हम इसकी जो जाइगोट से लेके जो इवोल्यूशन हुई है एट द एंड, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स इसके जो हैं मेंबर्स हैं, जिस तरह के हमारे पास पीलिया वगैरह हैं, या फिर उसके अलावा जो है साइलोफाइट्स हैं, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं, वहाँ तक इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है विद डायग्राम्स डिस्कस करते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव थ्योरी है स्टीरिलाइजेशन की, उसको हम इस जाइगोट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जाइगोट के देख सकते हैं, ये जाइगोट है एक। तो जो ये यहाँ पे रेड कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है? ये जो एग और स्पर्म फ्यूज़ हुए हैं, ठीक है ना, ये 2N स्ट्रक्चर है इसके अंदर। इसका न्यूक्लियस है जो कि 2N है, स्पर्म का 1N और एग का जो है वो 1N, जो दोनों फ्यूज़ हुए हैं, ये बनाया ये वाला जाइगोट, ठीक है। सबसे पहले था जाइगोट हमारे पास, ये जो जाइगोट है ये क्या था हमारे पास, ये एक फुल फर्टाइल फॉर्म थी, फुल फर्टाइल फॉर्म। इसके अंदर कोई भी किस्म का जो था वो स्टीरिलाइजेशन नहीं थी, कोई भी किस्म के प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ नहीं थे, ये पूरी फर्टाइल फॉर्म थी। मतलब के जो तमाम सेल्स थे इसके अंदर, इस जाइगोट के अंदर, ये कैपेबल थे रिप्रोडक्शन के लिए। ऑल सेल्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ये तमाम सेल जो थे वो रिप्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए तमाम सेल थे। तो उसके बाद जाइगोट के अंदर फिर हुई है डिवीजन। कौन सी डिवीजन यहाँ पे हुई है? यहाँ पे हुई है जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन। तो मैं यहाँ पे माइटोसिस ही लिख देती हूँ, माइटोटिक डिवीजन हुई है और ये जाइगोट आगे इसके अंदर चेंज हो गया। ये है हमारे पास एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा? मल्टीपल डिवीजन होगी, और ये मैंने मार्क किए हुए हैं ना ब्राउन कलर से, ये सेल्स हैं एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनको, इन सेल्स को, ये सेल्स जो होते हैं दोबारा चेंज हो जाते हैं जाइगोट से के अंदर डिवीजन से, ये सेल बने हैं एम्ब्रियो के। ये एम्ब्रियो है हमारे पास, एम्ब्रियो जो है ये भी क्या है? ये भी फर्टाइल फॉर्म है। जो ये तमाम सेल्स आप इसके अंदर देख रहे हैं एम्ब्रियो के अंदर, ये सारे क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं नेचर के अंदर, मतलब कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है ना, ये फर्टिलिटी शो करते हैं तमाम सेल्स। फिर उसके बाद क्या है कि इस जो है हमारे पास ये एम्ब्रियो है, इसके अंदर प्रोग्रेसिव स्टीरिलाइजेशन होनी है, ठीक है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर स्टीरिलाइजेशन होनी है, तो स्टीरिलाइजेशन स्टार्ट होती है इस एम्ब्रियो से। ये जो एम्ब्रियो होता है इसकी पेरिफ्री सेल्स की जो है वो उसके स्टीरिलाइजेशन उसके ऊपर होनी है। पेरिफ्री सेल्स कौन से होते हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वो भी पेरिफ्री के ऊपर जो होते हैं ये सेल्स, उनके अंदर जो उसने स्टीरिलाइज कर जाना है। तो जो ये हमारे पास पेरिफ्री है ना, इस जो हमारे पास ये मौजूद है एम्ब्रियो, इसकी जो साइड्स हैं, ये जो इसकी साइड वॉल्स हैं, ठीक है ना, इनके अंदर जो सेल्स हैं इन्होंने स्टीरिलाइज होना शुरू हो जाना है, ठीक है। स्टीराइल के सेल बनने शुरू हो जाने हैं, मतलब कि ये अपने अंदर ये न्यूट्रिएंट स्टोर करेंगे या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, और ये डेलिकेट नहीं रहेंगे, नो लॉन्गर डेलिकेट होंगे ये, ठीक है ना। अब ये कोई भी इनके अंदर डेलिकेशन नहीं है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की जो है नेक्स्ट जो है वो स्पर्म या एग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना।
तो उसके बाद क्या है, पेरीफ्री के ऊपर जो है स्टीरलाइजेशन होती है फर्टाइल एम्ब्रियो की, ठीक है। उसके बाद जब स्टीरलाइजेशन हो जानी है फिर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा, ये इसके आप देख सकते हैं साइडों पे ग्रीन सेल्स बने हुए हैं, ये तमाम स्टीरलाइज सेल्स मैंने ड्रा किए हैं, ठीक है ना। ये स्टीरलाइज सेल्स होते हैं, तो ऊपर वाली जो वाल होती है, ये वाली वाल है जो ग्रीन कलर से मार्क की गई है, इसको कहते हैं एम्फीथीशियम, जो कि एक स्टीरलाइज्ड वाल है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो अंदर जो है ये रेड कलर से जो डॉट्स बनाए गए हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं स्पोर्स, क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरह ये स्ट्रक्चर होता है, मैं इसको अब डिटेल से आपको बताती हूँ। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये पूरी वॉल, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है एम्फीथीशियम, एम्फीथीशियम। ये एम्ब्रियो की मैंने आपको बताया था साइड्स की पेरिफ्री के ऊपर प्रोग्रेसिव स्टीरलाइजेशन से बनी है, ये एक स्टीरलाइज्ड सेल की जो है वॉल है, ठीक है। उसके बाद जो अंदर है इसके, वो क्या है, ये फर्टाइल सेल्स हैं, ये रेड कलर वाले, ठीक है ना, क्या आएंगे, फर्टाइल सेल्स, ये वाले हमारे पास, ये है हमारे पास फर्टाइल सेल्स। और ये जो फर्टाइल सेल्स हमारे पास हैं, ये नेक्स्ट कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो एंडोथीलियम जो होता है हमारे पास, ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम। ये एम्फीथीशियम की स्टीरलाइज्ड सेल की वाल, और जो फर्टाइल सेल्स की वाल है उसको हम, उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं एंडोथीलियम, थीलियम। ये क्या करती है एंडोथीलियम, ये सराउंड करती है जो जी फर्टाइल सेल्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्पोर्स हैं, इनको एंडोथीलियम ने सराउंड किया होता है, और ये इसको प्रोवाइड करती है सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अगर हम बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका स्पोरोफाइट है, ये हमारे पास होता है रिक्सिया का स्पोरोफाइट, ठीक है। मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है स्पोरोफाइट की, ठीक है। तो इसके स्पोरोफाइट के अंदर किसी भी किस्म का जो है वो फुट और सिटा नहीं पाया जाता, जस्ट एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर होती है जिसकी जिसके अंदर दो तरह की लेयर्स होती हैं, एक एम्फीथीशियम एक एंडोथीलियम। एम्फीथीशियम जो होती है ये स्टीरलाइज सेल की वॉल होती है, जो कि स्टीरलाइजेशन हुई थी एम्ब्रियो की पेरीफ्री के ऊपर तब बनी थी, और जो अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं फर्टाइल सेल्स होते हैं जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। फर्टाइल सेल्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है एंडोथीशियम की, जो इनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म का स्पोरोफाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्सिया का है, ठीक है। तो उसके, तो रिक्सिया के बाद नेक्स्ट जो स्टीरलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर बना है वो बना है हमारे पास कोर्सिनिया। ये कोर्सिनिया का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये किस तरह बनता है कि जो हमारे पास एम्ब्रियो ही होता है ना इस केस में, कोर्सिनिया केस में, ये ट्रांसवर्स डिवीजन में चला जाता है एक सीधी डिवीजन के अंदर, और दो तरह के हमारे पास सेल्स बनते हैं, एक होता है एपिबेसल और एक होता है हाइपोबेसल। हाइपो मीन लोअर एंड एपी मीन अपर, तो अपर जो ये सारा स्ट्रक्चर होता है ना हमारे पास, ये एपिबेसल बनाता है, ठीक है। ये चेंज हो जाता है कैप्स्यूल के अंदर, और जो है एपिबेसल के सेल्स होते हैं, और कैप्स्यूल जो होता है वो नेक्स्ट पेरिक्लाइनली, ये जो कैप्स्यूल ऊपर होता है ये एपिबेसल से बना था, और एपिबेसल का कैप्स्यूल जो होता है ये जो सेल होते हैं कैप्सूल के सेल्स एपिबेसल के ही सेल होते हैं, ये बेसिकली ये डिवाइड करते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन से और बना देते हैं एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम। हमें पता है कि एम्फीथीशियम जो होती है ये ऊपर वाली वाल होती है, ठीक है, और जो एंडोथीशियम होती है ये स्पोर टेट्रड और नर्स सेल बनते हैं। ये भी आपको मैं बताती हूँ कि इसके अंदर स्पोर टेट्रड और नर्स सेल्स क्या होते हैं। और जो नीचे वाला हाइपोबेसल कंडीशन होती है, जो हाइपोबेसल सेल होता है ये चेंज हो जाता है स्मॉल फुट के अंदर, ठीक है। तो क्या जो है एपिबेसल सेल्स डिवाइड करते हैं पेरिक्लाइनली और बना देते हैं एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम। एम्फीथीशियम हमें पता है ऊपर वाली वॉल को कहते हैं, और एंडोथीशियम जो होता है ये स्पोर टेट्रड और नर्स सेल को डोनेट करते हैं, ये स्पोर है और ये अंदर जो है ब्राउन के साथ मार्क किया, ये हमारे पास नर्स सेल है, ठीक है ना। और जो होता है हाइपोबेसल ये चेंज हो जाता है एक छोटे से फुट के अंदर। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर स्टीरलाइजेशन किस तरह कंटिन्यू की है। नेक्स्ट कोर्सिनिया का केस है हमारे पास, कोर्सिनिया, इसके अंदर क्या हुआ,
एम्ब्रियो ने डिवाइड किया, दो जो सेल्स दो बना दिए, दो किस्म के, एक एपीबेसल सेल्स और एक हाइपोबेसल सेल्स। एपीबेसल अपर सेल्स जो होते हैं उनके अंदर पेरिकलाइनल डिवीजन हुई है, और इन्होंने जो ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज हो गए हैं, कैप्स्यूल बना दिया जिसको हम एम्फीथीशियम भी कहते हैं, स्टीराइल सेल्स, ठीक है, स्टीराइल सेल एक इसकी कवरिंग हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ है फुट जो था हाइपोबेसल बन गया है, जो हाइपोबेसल फुट है हमारे पास, और ये भी क्या है, स्टीराइल है। अब यहाँ पे दो किस्म के थे, फिर एक और किस्म के आएंगे स्टीराइल सेल्स, उनको हम कहते हैं नर्स सेल्स। नर्स सेल कौन से हैं, जो ये ब्राउन के साथ मार्क किया हुए हैं ना, ये वाले, ये हैं नर्स सेल्स, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ अभी, ये जो ब्राउन कलर वाले हैं ये हमारे पास नर्स सेल, और ये रेड कलर से मार्क किए ये हमारे पास स्पोर है, ठीक है। तो नर्स सेल्स ये भी क्या है हमारे पास, स्टीराइल। तो स्टीरिलिटी जो है ये बहुत आगे तक जा रही है अब। तो फुट का जो है वो जो स्टीराइल फुट है, इसका फंक्शन क्या है कि इन्होंने अब्जॉर्ब करना है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, ठीक है ना, डेवलपिंग स्पोरोफाइट के लिए। और उसके अलावा क्या है कि जो नर्स सेल है इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है डेवलपिंग स्पोरोफाइट को। तो कोर्सिनिया के अंदर हम बात कर ली, अब हमने स्टीरिलाइजेशन की किस तरह हुई है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्सिनिया के बाद जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो किनके अंदर गया, स्पेरोकार्पस के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं स्पेरोकार्पस का स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये एम्ब्रियो होता है ना हमारे पास, फर्टाइल एम्ब्रियो, इसके अंदर फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। ट्रांसवर्स डिवीजन इस तरह होगी, ऊपर एपीबेसल सेल होगा, नीचे जो होगा हाइपोबेसल सेल होगा। जो एपीबेसल ऊपर वाला सेल होगा ना वो ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, जो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है कैप्स्यूल जो होगा ये क्या बनाएगा, एपीबेसल, और नीचे वाला हाइपोबेसल जो होगा वो ये नैरो सीटा बनाएगा, ये छोटा सा सीटा होगा और बल्बुलस फुट होगा, ठीक है ना, एक फुट टाइप स्ट्रक्चर होगा जो कि जो बॉडी के अंदर ना क्या कर रहा होगा, अब्जॉर्प्शन कर रहा होगा वाटर वगैरह की, ठीक है ना, और न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो ये जो सीटा होगा फर्दर, अब स्टीराइल सेल जो है एक और बन गया। इसके अंदर क्या था कि जस्ट फुट था, सीटा नहीं था, ठीक है। अब स्टीरिलाइजेशन में एक और चीज की एडिशन हुई, वो है नैरो सीटा की एडिशन, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहां पे, ये कौन सा केस है, स्पेरोकार्पस केस है। कोर्सिनिया से नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट किनके अंदर गई है, स्पेरो स्पेरोकार्प स्पेरोकार्प्स, ठीक है, स्पेरोकार्पस के अंदर। तो क्या हुआ यहाँ पे, दो एक एम्ब्रियो के अंदर फर्दर जो है स्टीरिलिटी आएगी, मतलब कि एम्ब्रियो फर्दर आगे स्टीरिलिटी स्टीराइल सेल्स के अंदर डेवलप होगा, कि एम्ब्रियो जो था वो क्या हो गया, ये इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। नेक्स्ट में जब फर्दर इवोल्यूशन होती है तो इस ट्रांसवर्स डिवीजन के दौर पर जो है ये दो तरह के सेल बनते हैं, एक ऊपर वाला है एपीबेसल होता है, ठीक है, एपीबेसल, और नीचे वाला है हाइपो बेसल, ठीक है। तो एपी बेसल है ना, इसने क्या करना है, इसने कन्वर्ट हो जाना है कैप्स्यूल के अंदर, जो आप कैप्स्यूल देख सकते हैं यहाँ पे, जो ग्रीन कलर के साथ उसकी वॉल्स बनाई गई हैं, ये भी स्टीराइल सेल्स की वॉल है, ठीक है ना। तो ये कैप्स्यूल बन जाएगा, और नीचे वाला जो है ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, ये इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास है नैरो सीटा, ये निकला है हाइपोबेसल से, ठीक है। और जो इसके नीचे है ये वाला स्ट्रक्चर येलो और ग्रीन टाइप, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बल्बुलस फुट, बल्बुलस फुट, ठीक है। तो फर्दर ये स्टीरिलिटी गई है, नैरो सीटा डेवलप हो गया है, ठीक है ना, पीछे सीटा नहीं था, यहाँ सीटा भी डेवलप हो चुका है। तो अब अंदर हम देखते हैं कि कैप्स्यूल के अंदर कौन कौन से सेल्स मौजूद हैं, इसके अंदर भी स्टीराइल सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो वो कौन से होंगे, एक है हमारे पास ये वाले जो ब्राउन से मार्क किए हैं मैंने, ये हमारे पास कौन से हैं, नर्स सेल। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ये वाले जो सेल्स हैं ये हमारे पास नर्स सेल हैं, और जो ये वाले हैं ये हमारे पास स्पोर टेट्रड हैं, ठीक है। तो नर्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नर्स सेल की, ये नर्स सेल हैं, ठीक है,
तो नर्स सेल ने भी, मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, और ये भी स्टीराइल ही होते हैं। ये हमारे जो है कोर्सिनिया के केस में ही डेवलप हो चुके थे, और इस केस में नैरोसिटा डेवलप हुआ है। अब हमने स्पैरोकार्पस की भी बात कर दी है कि फर्दर स्टीरिलिटी जो स्पैरोकार्पस के केस में होती है, और जो सिटा है ना यहाँ पर हमारे पास, ये क्या करता है, ये बेंड करता है या फिर फ्लैक्स करता है स्पोर डिस्पर्सल के लिए। जब स्परंजिया मैच्योर होता है तो ये सिटा जो है, ये स्टीराइल सेल्स का जो एक स्ट्रक्चर है नैरोसिटा, ये हेल्प करता है स्पोर डिस्पर्सल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जो है फर्दर जो है वो जो ट्रांसफर होना है स्टीरिलिटी ने, फर्दर जाना है किसके अंदर, मर्केंशिया के केस में, ठीक है। तो मर्केंशिया के केस में स्टीरिलिटी नेक्स्ट अब ट्रांसफर होगी। तो मर्केंशिया के केस में क्या होता है, मर्केंशिया के केस में इलेटर्स होते हैं डेवलप, ये जो पिंक कलर से मैंने किए हैं मार्क, इनको हम कहते हैं ये इलेटर्स हैं, ये हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स की डिस्पर्सल में। ये हमारे पास है जो फर्टाइल सेल्स, ठीक है, स्पोर्ट्स, और जो ये है स्ट्रक्चर पेरीफ्री के ऊपर, ये भी हमारे पास कैप्स्यूल की वॉल है जो कि स्टीराइल सेल से मिलकर बनी होती है। ये हमारे पास एक सीटा है जो स्टीराइल सेल से मिलकर बना होता है, और फर्दर ये स्टीराइल सेल का स्ट्रक्चर है फुट, जो हेल्प करता है अब्सॉर्प्शन वगैरह के अंदर। तो स्टीरिलिटी जो है वो आगे गई, ठीक है। तो इसके अंदर डेवलप क्या, ये क्या हो गए हैं, इलेटर्स हो गए हैं डेवलप्ड। फर्दर जो है इलेटर्स जो हुए हैं डेवलप, स्टीराइल सेल्स का एक स्ट्रक्चर है। ये कौन सा केस है, मर्केंशिया का केस है ये, मर्केंशिया का ये केस है। इसके अंदर क्या हुआ है, फर्दर जो स्टीरिलिटी थी वो आगे गई है, और यहाँ पे क्या डेवलप हो गए हैं, ये पिंक कलर में जो हैं इसको हम क्या कहते हैं, इलेटर्स। ये इलेटर्स किस चीज़ के अंदर हेल्प करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। जब स्परंजिया मच्योर होती है तो ये इलेटर्स ही जो हैं वो स्पोर की डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं, स्पोर्स को बाहर डिस्पर्स करवाते हैं, ठीक है। और स्पोर टेट्रेड क्या है, स्पोर टेट्रेड, स्पोर मदर सेल जो थी वो मियोसिस के अंदर जाएगी और स्पोर टेट्रेड बना देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टीरिलिटी, अब यहाँ पर स्पोर टेट्रेड डिवेल्प हो गए स्टीरिलिटी में, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरिलिटी आगे पीलिया के अंदर हो जाएगी ट्रांसफ़र। तो अब फर्दर स्टीरिलिटी को हम लेकर आते हैं पोरेला में, ठीक है ना। तो पोरेला के अंदर ज़्यादा स्टीराइल सेल्स बनेंगे, किस तरह बनेंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मल्टी लेयर्ड सेल्स आ गए हैं, ठीक है ना, कैप्स्यूल में दो दो लेयर्स के सेल ये आ गए हैं कैप्स्यूल के अंदर, ठीक है। और इनके अंदर फर्दर जो स्टीराइल सेल्स की डिवेलपमेंट हुई है वो ये इलेक्ट्रोफोर्स जो ये मैंने मार्क किए हुए हैं ना, ये वाले ये इलेक्ट्रोफोर्स हैं, ये भी स्टीराइल सेल्स ही है, मतलब कि स्टीराइल सेल्स की एडिशन हो गई है फिर जो है हमारे पास पीलिया के केस के अंदर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफोर्स में पता है कि ये इसके अंदर से इलेटर्स निकलते हैं, ये पिंक कलर में जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला ये है इलेटर्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है इलेक्ट्रोफोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफोर में से ये इलेटर्स निकलते हैं और इलेक्टर्स हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्सल के अंदर, ठीक है। और जो ये रेड कलर से मार्क है, ये हमारे पास स्पोर्स हैं, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, ये हमारे पास केस है, तो ये केस किन का है, ये हमारे पास केस है पीलिया के अंदर, ठीक है, पीलिया का केस है। और पीलिया के केस के अंदर अब ये क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोर्स हैं, ये इलेक्टर्स हैं, ये स्पोर्स हैं, और ये मल्टी लेयर्ड कैप्सल है, ठीक है ना। ये मल्टी लेयर्ड कैप्सल का मतलब क्या है, कैप्सल के अंदर मल्टी लेयर्ड स्टीराइल सेल्स हैं, मतलब कि स्टीराइल सेल्स वो बहुत ज़्यादा हैं कैप्सल में, मल्टी लेयर्ड, दो लेयर तो हैं ना स्टीराइल सेल्स, ठीक है, दो लेयर्ड कैप्सूल है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोफोर्स हैं और ये लेटर्स हैं। और जो यहाँ पे है ना सीटा, सीटा भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना, मतलब कि सीटा के अंदर भी स्टीराइल सेल्स की फर्दर एडिशन हुई है। और जो हमारे पास फुट भी है वो भी आप देख सकते हैं साइज़ में बड़ा है, इसका मतलब फुट के अंदर भी स्टीराइल सेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, हमने पीलिया की भी बात कर दी है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथोसीरोज़ की, कि उसके अंदर जो है स्टीरिलिटी किस तरह जो है वो बड़ी।
तो एंथोसिरोज़ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एंथोसिरोज़ के अंदर जो कैप्स्यूल है वो मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। उसके अलावा सेंटर में एक स्ट्रक्चर ये डेवलप हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है कोलोमेला, ठीक है। ये वाला जो है वही मल्टी लेयर्ड कैप्स्यूल है। इस मल्टी लेयर्ड कैप्स्यूल के दरमियान में जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल कोलोमेला है, ठीक है। ये सेंट्रल कोलोमेला वो स्ट्रक्चर है जो मेनटेन रखता है शेप को, ठीक है, और रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ दी स्परंजियम। स्परंजियम की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ड्राई होने के बाद ये जो है वो रप्चर करवा देता है स्परंजियम को, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि एंथोसिरोज के अंदर प्रोग्रेसिव स्टीरलाइजेशन आगे बढ़ी है एंथोसिरोज के अंदर, ठीक है ना। मतलब कि ये भी स्टीराइल जो थे वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे था दो लेयर्ड कैप्स्यूल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लेयर्स वाला कैप्स्यूल, और दरमियान में भी एक जो स्टीराइल सेल्स की डेवलपमेंट हो गई जिसको हम कहते हैं कोलोमेला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एंथोसिरोज की भी बात कर ली है, एक इनके केस किसका केस है, एंथोसिरोज, ठीक है, एंथोसिरोज के केस की बात कर दी हमने। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंथोसिरोज से फिर जो प्रोग्रेसिव स्टीरलाइजेशन है ना वो स्पोरोफाइट बनाता है मॉस और सीलोफाइट्स की। तो एंथोसिरोज से अब नेक्स्ट जो है स्टीरलाइजेशन वो किनके कैप्स्यूल में होती है, मॉस के, ठीक है, और दूसरा किसका कैप्स्यूल है, सीलोफाइट्स, सीलोफाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉस का कैप्स्यूल है, ठीक है, और ये हमारे पास है सीलोफाइट्स का कैप्स्यूल, ये मॉस का है और ये सीलोफाइट्स का कैप्स्यूल है। तो अगर हम मॉस के कैप्स्यूल को यहाँ पे देखें तो मॉस के कैप्स्यूल के अंदर क्या होता है कि स्पोर के अलावा स्पोरोफाइट जो होल पूरा स्पोरोफाइट स्पोर्स के अलावा सारा स्पोरोफाइट ही हमारे पास स्टीराइल है, ठीक है ना। और स्पोर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये सैक्स मैंने बनाए हुए हैं ग्रीन कलर के, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर से जो मैंने सैक बनाए हुए हैं इनके अंदर जो ये रेड कलर से मार्किंग है ये स्पोर्स है, यहाँ पे स्पोर्स पाए जाते हैं, अदरवाइज पूरा जो स्पोरोफाइट है वही स्टीराइल है। ये हमारे पास मॉस के केस की बात हो गई है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलोफाइट्स के अंदर, तो सीलोफाइट्स के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर एक सेंट्रल कोलोमेला पाया जाता है, ठीक है, जो बहुत ही रिजिड होता है, ठीक है। साइड पे जो सारे सेल्स होते हैं ये स्टीराइल सेल्स होते हैं, और जस्ट इनके अंदर भी जो स्पोर्स होते हैं स्पोर पाए जाते हैं, और वो स्पोर्स भी सेक्स के अंदर पाए जाते हैं, इनको स्पोर सेक्स कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सीलोफाइट का केस है। तो अभी हमने क्या देखा कि सबसे पहले एम्ब्रियो था, जाइगोट था हमारे पास, जाइगोट के अंदर जो था वो फुल फर्टाइल फॉर्म थी, वो जाइगोट माइटोसिस के जरिए डिवाइड किया, फर्टाइल एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो गया, वो फर्टाइल एम्ब्रियो की पेरीफ्री के ऊपर जो थी वो स्टीरलाइजेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, सेल्स की, और वो चेंज हो गया किसके अंदर, प्रोग्रेसिव स्टीरलाइजेशन थी जो पेरीफ्री के ऊपर, उसकी वजह से सेल्स स्टीराइल हो गए। ऊपर वाली वॉल को हमने एम्फीथीशियम कह दिया जो कि स्टीराइल सेल्स थे, ठीक है, और जो नीचे अंदर थे उसके फर्टाइल सेल्स उसको हमने कह दिया कि उसकी वाल जो है वो एंडोथीशियम है। तो इस केस में ये केस किन के अंदर देखा गया था, डिक्सिया के अंदर, जिसके अंदर जस्ट था वो कैप्स्यूल पाया जाता था, बाकी स्ट्रक्चर फुट और सीटा दोनों ही एब्सेंट थे। उसके बाद क्या हुआ, डिक्सिया के बाद जो स्टीरलाइजेशन फर्दर गई कोर्सिनिया के अंदर देख सकते हैं हम, इसके अंदर क्या होता है कि जो एक स्टीराइल फुट डेवलप होता है, ठीक है ना, इनके अलावा और बाकी कैप्स्यूल के अलावा, इसके अंदर जस्ट कैप्स्यूल था स्टीराइल, इसके अंदर एक फुट भी स्टीराइल डेवलप हो गया और नर्स सेल भी डेवलप हो गए जो स्पोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करते थे, बाकी सारा स्ट्रक्चर था स्टीराइल कोर्सिनिया के केस में। कोर्सिनिया से फिर आगे स्टीरलाइजेशन की स्फेरोकार्पस के केस में, स्फेरोकार्पस के केस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो था वो डिवाइड करता है एपिबेसल और हाइपोबेसल के अंदर, एपिबेसल जो थे वो कैप्स्यूल के अंदर चेंज हो जाते हैं और हाइपोबेसल जो थे वो नैरो सीटा और छोटे से फुट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे फुट नैरो सीटा नहीं था, यहाँ पे नैरो सीटा है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे भी नर्स सेल और स्पोर टेट्राड डेवलप हो रहते हैं। अब यहाँ पे नैरो सीटा की एडिशन हुई है
यहाँ पे फुट की एडिशन हुई थी, यहाँ पे नैरो सीटा की एडिशन हुई है। अब नैरो सीटा से नेक्स्ट हम लेके जाते हैं, और यहाँ पे नर्स सेल थे, यहाँ पे भी नर्स सेल है। नेक्स्ट हम लेके जाते हैं मार्केंशिया के केस में, मार्केंशिया के केस में सीटा भी बड़ा हो गया है, फुट जो था बल्बुलस से एक प्रॉपर फुट बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, इलेटर्स डेवलप होते हैं, इलेटर्स भी स्टीराइल सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं स्पॉट डिस्पर्सल में। और यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टीरलाइजेशन इलेटर्स, इलेटर्स की एडिशन होगी स्टीरलाइजेशन से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट डेवलपमेंट करते करते पीलिया के केस में हम आ गए। पीलिया के केस में क्या हो गया, इतना सा जो था हमारे पास सीटा वो बहुत बड़ा हो गया, और फुट भी एक छोटा सा बल्बुलस जो स्ट्रक्चर था वो भी बड़ा फुट बन गया है, और जो सेल भी थी वो मल्टी लेयर्ड सेल्स हो गई। ये सारे स्टीराइल सेल्स से मिलकर बनी हुई चीज़ें, ठीक है ना, फुट, सीटा और ये कैप्सूल की वाल। और उसके अलावा अंदर इलेटर्स तो थे ही, इलेटोफोर्स भी प्रोमिनेंट हो गए हैं, यहाँ भी इलेटोफोर्स होंगे इसीलिए तो इलेटर बने हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोमिनेंट इलेटोफोर्स हो गए हैं, हाई हो गए स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो बड़े हो गए स्ट्रक्चर में, तो इलेटर्स भी डेवलप हुए, इलेटोफोर्स भी पीले केस में है। अभी इलेटर्स के बाद हमने एंथोसीरोज में देखा सीडो इलेटर्स पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, और मल्टी लेयर्ड कैप्सूल वाल पाई जाती है, और कोलोमेला की डिवेलपमेंट होगी। अब कोलोमेला की डिवेलपमेंट होगी मतलब कि फर्दर स्टीरलाइजेशन से डिवेलपमेंट आ गया। अब एंथोसीरोज से मोस और साइलोफाइट का जो था वो स्पोरोफाइट जो था, इसके बाद इनकी डेवलपमेंट हुई है। तो वो किस तरह हुई है, इनके अंदर जस्ट स्पोर्स के अलावा बाकी पूरा स्ट्रक्चर ही हमारे पास स्टीराइल सेल्स का मिलके बना होता है, ठीक है ना। मतलब कि इनके अंदर जो है वो कोलोमेला है, बाद में और भी स्ट्रक्चर हैं, वो भी किसके साथ मिलके बने होते हैं, स्टीराइल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा एक केस है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने एंथोसीरोज के बाद वो लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। वो केस है फ्यूनेरिया का, उसकी आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। उस पर उसके अंदर एपोफाइस है, कोलोमेला है, पेरिस्टॉम्स हैं, ऑपरकुलम वगैरह हैं, वो सारे स्टीराइल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। तो ये दूसरी थ्योरी है रिगार्डिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ द स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ये सेकंड थ्योरी है हमारे पास, रेट्रोग्रेसिव थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसके अंदर क्या, ये थ्योरी दी किसने थी, चर्च और केशप ने, चर्च एंड केशप। तो इनके मुताबिक क्या था कि स्पोरोफाइट जो है रिक्सिया का, रिक्सिया स्पोरोफाइट इज द मोस्ट एडवांस्ड स्पोरोफाइट। रिक्सिया का स्पोरोफाइट जो पिछली थ्योरी थी उसके अंदर रिक्सिया का स्पोरोफाइट सबसे सिंपलेस्ट था, ठीक है। बाकी जो थे स्पोरोफाइट्स एंथोसीरोज के या फिर ब्रायोप्सिडा वगैरह के स्पोरोफाइट थे वो मोस्ट एडवांस थे, लेकिन यहाँ पे जो है मोस्ट एडवांस्ड वो किसका है, रिक्सिया का स्पोरोफाइट है, जो किससे बना है, जो प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन से बना है, सिंप्लीफिकेशन से कम्प्लेक्स फॉर्म की, जिस तरह के फ्यूनेरिया वगैरह की जो है सिंप्लीफिकेशन से बना है, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन ये मिलके बना होता है, ठीक है। ये रिक्सिया का स्पोरोफाइट कह रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो किस तरह हुआ है ये कि जो एक ना इस थ्योरी के मुताबिक एक फोलियोज स्पोरोफाइट था, फोलियोज स्पोरोफाइट, ठीक है, मतलब के जिसके लीफी स्ट्रक्चर थे, ठीक है। तो ये फोलियोज स्पोरोफाइट क्या था, ये एक हाइपोथेटिकल इंसेस्टर था, हाइपोथेटिकल अनसेस्टर, ठीक है। और ये क्या था, इसके अंदर एपिडर्मस भी थी, एपिडर्मस, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स एसिमिलेटरी टिश्यूज भी थे, ठीक है ना। तो उसके अलावा इसके अंदर स्टोमेटा भी था, ठीक है, और अपना खुराक, अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स थे, फोटोसिंथेसिस करते थे। ये फोलियोज जो लीव्स थे इनके साथ अटैच, ये इनको हेल्प करते थे फोटोसिंथेसिस में। तो ये एक हाइपोथेटिकल इंसेस्टर है, मतलब कि एक अपनी ही जो अंदाजे के मुताबिक ये इंसेस्टर होगा, ठीक है ना, एक इंसेस्टर होगा। ये अटैच हो गया, गॉट अटैच्ड किसके साथ, अटैच टू गमीटोफाइट,
एक गमीटोफाइट के साथ ये जाके अटैच हो गया, और वहां पे जाने के बाद इसने अपने लीव्स खो दिए एंड लॉस्ट इट लीव्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ है ना, ये लाखों करोड़ों साल की इवोल्यूशन थी। ठीक है ना, एक फोलियोस्पोरोफाइट होगा, ये एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है जिसका नहीं पता है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक है ये अटैच हो गया हुआ एक गमीटोफाइट के साथ है। और अपने लीव्स इसने लॉस कर दिए, अपने लीव्स खो दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि फोटोसिंथेटिक टिश्यूज थे जो इसके थे, ये रिड्यूस्ड हो गए। ऑब्वियसली जब लीव लॉस कर दिए तो फोटोसिंथेटिक जो टिश्यूज होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो गए। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हो गए किसके अंदर, और कन्फाइंड और कैप्सूल की जैकेट के अंदर, जैकेट तक ही रह गया इनका जो थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर था ना, कैप्सूल की जैकेट तक ही रह गया, एज इन फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम के केस में जिस तरह है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि मल्टी लेयर्ड जो जैकेट थी, मल्टी लेयर्ड कैप्सूल की जो वाल थी वो क्या हो गई, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर्ड कैप्सूल की वाल के अंदर ये हो गया कन्वर्ट, जिस तरह के कोर्सिनिया वगैरह के केस में हम देखते हैं। ठीक है ना, हम जैसे स्फेरोकार्पस के केस में देखते हैं कि एक सिंगल लेयर जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर पाया जाता है, कैप्सूल की जो वाल होती है वो हमारे पास क्या देखी जाती है, स्फेरोकार्पस और कोर्सिनिया केस में सिंगल लेयर्ड कैप्सूल की वाल देखी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जो फुट और सिटा जो वेल डेवेल्प्ड स्ट्रक्चर थे, जिस तरह के ब्रायोसिटा के अंदर है, वो खत्म हो गए, और यहाँ पे कोई भी फुट और सिटा नहीं है, जिस तरह के हम देखते हैं रिक्सिया के केस में। अब क्या हुआ होगा, फुट एंड सिटा लॉस्ट। ठीक है, अब ये फुट सिटा थे ब्रायोप्सिटा के केस में, अब फुट सिटा लॉस्ट हो गए हैं एज इन रिक्सिया। रिक्सिया के अंदर जस्ट कैप्सूल होता है, फुट और सिटा नहीं होता, ये हमें पता है। ठीक है, और ये जो रिडक्शन हो गई स्टीराइल सेल्स की, ठीक है, फर्टाइल सेल्स के अंदर, स्टीराइल सेल्स जिस तरह के हमारे पास थे कोलोमेला और इलेटर्स वगैरह, ये रिड्यूस्ड हो गए, कोलोमेला एंड इलेटर्स, ये स्टीराइल सेल्स जो थे ये भी रिड्यूस्ड हो गए हैं किसके अंदर, फर्टाइल सेल्स के अंदर। कोलोमेला और इलेटर्स भी फर्टाइल सेल्स के अंदर रिड्यूस्ड हो जाते हैं। कोलोमेला और इलेटर्स किसके अंदर थे, हायर मेंबर, जिस तरह के हमारे पास हैं जो ये एंथोसीरोज वगैरह जिनके अंदर सीडो इलेटर्स और कोलोमेला पाए जाते हैं, ये भी रिड्यूस्ड हो गए हैं। और रिक्सिया के केस जैसा कैप्सूल बन गया है कि जो स्परंजीनियस टिश्यूज और सिंगल लेटरल कैप्सूल वाल तक ही रह गया है, जो पूरा है हमारे पास स्ट्रक्चर इसका स्पोरोफाइट का। ठीक है, तो ये भी जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो पीछे क्या है, एक सिंगल वाल कैप्सूल रह गया है। जो स्टीरिलिटी, सिर्फ एक स्टीरिलिटी में एक इस तरह की वाल रह गई है, एक डॉट्स वाली, जिसके जो के सेल्स वाले डॉट्स से कैप्सूल की वाल बनाते हैं, बाकी होल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या है, फर्टाइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सिंगल लेटरल कैप्सूल वाल ही है हमारे पास, तो ये फर्टिलिटी की तरफ आगे चला गया। और एट द एंड ये फर्टाइल सेल्स वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर जस्ट एक सिंगल लेयर्ड कैप्सूल वाल ही है, स्टीराइल रिक्सिया, वो हमें मिल गया, जिसको मोस्ट एडवांस्ड मेंबर माना जाता है, जो कि इस इनको जो माना जाता है, ये मोस्ट जो है वो सिंप्लीफाई जो है वो है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ब्रायोप्सिडा, तो इनको माना जाता है कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि मोस्ट एडवांस्ड मेंबर है, वो रेट्रोग्रेसिव थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बताते हैं कि किस तरह डिवेल्प हुआ है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इवोल्यूशन इन स्पोरोफाइट, इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स में समझ लग गई। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।